चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गत दिनों हुए विहान पाटीदार हत्याकांड का सागवाड़ा पुलिस ने किया खुलासा। अपने पोते विहान के विश्वास का फायदा उठाकर दादी ने ही दिया वारदात को अंजाम। सागवाड़ा पुलिस ने किया अपने 6 वर्षीय पोते को कुएं में धकेल कर हत्या करने के मामले में दादी गंगा पाटीदार को गिरफ्तार। सागवाड़ा पुलिस के अनुसार बीते 14 जून को माया पत्नी जगदीश पाटीदार द्वारा अपने पुत्र विहान उम्र 6 वर्ष की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर गहनता से छानबीन कर 24 घंटे में पुलिस को गुमशुदा बालक की लाश जंगल के बीच में एक बहुत पुराने कुएं में मिली। पुलिस द्वारा शव को मोर्चरी में रखवा कर ग्रामीणों एवं परिवारजन से पूछताछ की गई, जिस पर पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य एवं बालक के मोबाइल की अंतिम लोकेशन की गहनता से अध्ययन करने पर बालक की दादी गंगा पाटीदार को अपने पोते की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में खुलासा हुआ कि बालक विहान पाटीदार दादी गंगा पाटीदार के पुत्र की संतान नहीं होकर अपने पुत्र की बहू माया पाटीदार के पूर्व पति श्री जितेंद्र पिता डुंगरजी पाटीदार निवासी करियाना के संतान थी तथा माया द्वारा जगदीश पाटीदार के साथ नाता विवाह के दौरान अपने साथ अपने पुत्र विहान को नया गांव लाने से गंगा पाटीदार के मन में विहान के प्रति ईर्ष्या भाव था। साथ ही गंगा पाटीदार के मन में भाव था कि दूसरे का पुत्र मेरी संपत्ति में हिस्सेदार बनेगा तथा विहान के रहने से संभवतया माया दूसरे संतान को जन्म दे या नहीं दे। इस बात की आशंका से उसने पिछले 4-5 माह में विहान से काफी प्रेम कर उसका विश्वास जीत लिया तथा मौका मिलते ही गंगा पाटीदार ने विहान की झाड़ियां काटने के बहाने कुएं में धक्का देकर हत्या कर दी।